अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक हैं। वो कई दशक से अपने दर्शकों को अपनी फिल्मों से एंटरटेन कर रहे हैं। 81 साल के होने के बावजूद उनकी चुस्ती फुर्ती बरकरार है। इस बीच वो पारिवारिक रिश्ते के कारण चर्चाओं में हैं। उनके बेटे अभिषेक बच्चन बहू ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें सुर्खियों में हैं। इसी बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू सामने आया जिसमें कि ये बता रहे हैं कि उनकी मौत के बाद उनके संपत्ति को कैसे बांटा जाएगा। वो अपनी वसीयत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इसे बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा। अमिताभ बच्चन ने 2011 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं एक बात तय कर ली है कि मैं उनके बीच कोई भेदभाव नहीं करूंगा। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास जो कुछ भी होगा वो मेरी बेटी और मेरे बेटे के बीच बराबर बराबर बट जाएगा। कोई भी भेदभाव नहीं है। अमिताभ ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बीवी जया बच्चन के साथ मिलकर यह सब तय किया। वो कहते हैं, जय और मैंने बहुत पहले ही यह तय कर लिया था। हर कोई कहता है कि लड़की पराया धन होती है, वो अपने पति के घर जाती है, लेकिन मेरी नज़र में वो हमारी बेटी है। उसके पास वही अधिकार है जो कि अभिषेक के पास है। इसी के साथ बता दें कि अमिताभ ने पिछले ही साल अपना बंगला जलसा श्वेता बच्चन नंदा को उपहार में दे दिया है। उस समय इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड सुपरस्टार के परिवार की कुल संपत्ति 1600 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी बातचीत में अमिताभ ने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वो अभिषेक को एक दोस्त की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा, मैंने अभिषेक के जन्म से बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अगर मेरा बेटा होगा तो वो मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा दोस्त होगा। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट वन लाइव।